गर्मियों का मौसम आता है तो हम हमेशा घर में मटके लगाते हैं, पर आपको पता है कि इसका बनाने का प्रोसेस कितना कठिन होता है। बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। और क्या आपको पता है कि मटका खरीदने की पहचान क्या होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको लाई हूँ झांसी के कोछा बावर गाँव में, जहाँ में बहुत सारे कुम्हार रहते हैं, और हम यहाँ देखेंगे कि मटके को कैसे खरीदना चाहिए और ये इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस। मटका बनाने के लिए लाल और काली दोनों मिट्टी का यूज़ होता है, जो कि पास की नदी से लाई जाती है। अब यहाँ पे मिट्टी सानी जा रही है, तो यहाँ पर 3 पोर्शन काली मिट्टी का होता है और 1 पोर्शन होता है लाल मिट्टी का। और इसमें ये देखिए, ये बुरादा फैलाया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ये डाल दिया जाता है, और पानी डाल के जिस तरह से आटे को गूंथते हैं उसी तरह से ये मिट्टी को साना जाता है। तो इसमें जो ये पाउडर या बुरादा देख रहे हैं, इसको इसलिए डाला जाता है कि इससे जो मटका है वो पोरस बनता है और जो मटका है वो ठंडा रहता है। तो देखिए, इस तरह से पानी डाल के इसको साना जाता है और इसमें जो भी छोटे पत्थर या कंकड़ होते हैं कोशिश करके वो हटा दिए जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि मटके को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। और ये देखिए, इन्होंने मिट्टी भी तैयार कर ली है और अब हम देखेंगे कि हाथ से मटका कैसे बनाया जाता है। पत्थर पे फिर जाने के बाद, तो जैसे हम आटे पे पड़थन लगाते हैं ना, तो राख का यूज वही होता है कि जो मिट्टी है वो नीचे चिपके नहीं और जो ये गीली मिट्टी है वो अच्छे से काम कर सके। तो इसको देखिए, बिल्कुल रोटी जैसा बना रहे हैं। इन्होंने मिट्टी का एक चकला तसला जैसा ले लिया है और ये देखिए, इसको इसमें फंसा दिया है। पतला हो जाएगा, तो ये अभी आपको जो ये मोटा दिख रहा है, तो उसके बाद ये पतला होता जाएगा जैसे जैसे ये बनाते जाएंगे इसको। तो ये देखिए, अब बस इसको ये क्या करेंगे, हाथ से पतला करते जाएंगे, घुमाते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, हाथ से किस तरह से इसको ये एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो अगर छोटा मटका बनाना होता है तो इतनी ही मिट्टी का इस्तेमाल हो जाता है, पर ये बड़ा मटका बन रहा है तो ये क्या करते हैं, इस तरह से हाथ गीला करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेते जाते हैं और इसको बस मटके में इस तरह से अंदर की साइड से लगाते जाते हैं, और जितना बड़ा मटका बनाना होता है उतनी मिट्टी ये डाल के इसको एक्सटेंड करते जाते हैं। तो ये देखिए, अब जो ऊपर वाला रिम है वो तैयार किया जा रहा है और बस इसको ये देखिए कैसे पैरों से घुमा रहे हैं, इसका यही तरीका होता है क्योंकि अब दोनों हाथ यूज़ कर रहे हैं। और ये देखिए, लकड़ी से इसको एकदम चिकना कर रहे हैं और जो इसकी गोलाई है वो चेक कर रहे हैं कि मतलब चारों तरफ से एक सा होना चाहिए। और इसको चिकना करने के लिए इस पर गीला कपड़े से इसको अच्छे तरह से घुमा घुमा के गीले कपड़े से एक सा किया जाता है। तो ऊपरी हिस्सा आप देखिए कितना चिकना हो गया है। तो अभी ये बेसिक आधा ही मटका तैयार हुआ है और इसको एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, जिससे कि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। तो हम कल फिर से आएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि ये इसको शेप कैसे देंगे। तो ये देखिए, ये मटका जो है ये कल का बना हुआ था और ये अब सूख गया है, और उसके अंदर ये पत्थर का जो गोला है वो हाथ में पकड़ के और पीछे से इसको अच्छे से ठोका जाता है। तो इस तरह से ठोकने से इसमें शेप आती है, मटके वाली जो शेप होती है सर्कल, और एक यूनिफॉर्म थिकनेस आती है। तो बेसिक मटके का शेप देके तैयार है, अब होगी इसकी गोलाई। तो मतलब अब जो गोल मटका एकदम देखते हो उसको किस तरह से हाथों से गोल किया जाएगा वो आप देखेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको पानी लगा के एकदम चिकना कर लिया जाता है और फिर घुमा घुमा के इसको इस तरह से ठोका जाता है। इससे जो मटका होता है वो मजबूत भी होता है, उसमें शेप आती है और जो भी क्रैक्स वगैरह है वो सब भर जाते हैं इससे। तो ये देखिए, पहले मटके का शेप ये था और इसको गोलाई देने के बाद आप देखिए क्या बढ़िया शेप आ चुका है इसका। इसके बाद इन मटकों को उठा के 3 घंटे के लिए रख दिया जाता है और फिर ये देखिए, इनको नीचे से इस तरह से गोलाई दे दी जाती है और इनको छांव में सुखाया जाता है, कभी भी धूप में नहीं सुखाते हैं। जब मटके 2 से 3 दिन तक सूख जाते हैं फिर इन पर गेरुआ कलर किया जाता है और ये डिज़ाइन बनाया जाता है। मटके पर जो रंग किया जाता है वो ये देखिए, ये रंग है और ये पहाड़ियों पे इस तरह का पत्थर मिलता है और इसको पानी में घोलते हैं तो एकदम ऑरेंज कलर या गेरुआ कलर हो जाता है। तो ये देखिए, इसको पानी में घोलते हैं तो इस तरह का कलर हो जाता है और इसको बस कपड़े से कच्चे मटके पर इस तरह से पोतते जाते हैं। तो इसके 2-3 कोट किए जाते हैं, मतलब एक बार कर दिया जाता है, फिर रखा जाता है, फिर कर दिया जाता है। तो इससे मटके में जो ऑरेंज कलर देखते हैं आप वो आता है। तो जो मटके के ऊपर आप काले रंग से डिज़ाइन देखते हैं वो भी नेचुरल पत्थर होता है काले रंग का, जिसको भिगो के रखा जाता है। तो ये देखिए, इस तरह का काला रंग आ जाता है और इसी से इस पर डिज़ाइन बनाया जाता है। और ये सब मटके पे लगने के बाद एकदम वाटरप्रूफ हो जाते हैं, मतलब आप मटके को कितनी बार भी धोइए ये बाहर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो मटका है बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनता है, हर चीज़ नेचर से उठा के बनता है, इसमें बाज़ार का कलर तक यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका पानी अगर आप गर्मियों में पिए फ्रिज से कहीं कहीं ज़्यादा अच्छा होता है।
और ये है कच्चे मटके जिनको कि पकाया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा भट्टा लगाया जाता है, आप नीचे देख सकते हो कि वो गोबर के कंडे या जिनको उपले कहा जाता है वो लगाए जाते हैं, और इन कंडों के ऊपर फिर धीरे धीरे करके मिट्टी के बर्तन या फिर मटके लगाए जाते हैं। तो जो भी बर्तन पकाना होता है आग में तो उसको उस तरह से लगा दिया जाता है। मटका रखने के बाद इसके ऊपर ये टूटे हुए मिट्टी के बर्तन रखे जाते हैं। तो ये देखिए इन्होंने किस तरह इसको पूरी तरह से एक डोम बना दिया है, कवर कर दिया है, और अब इसके ऊपर डाला जा रहा है ये सूखा हुआ भूसा या फिर इसको हे कहते हैं, और इस डोम को पूरी तरह इससे कवर कर दिया जाएगा। आप देखिए ये काम जो है सुबह से शुरू होता है और रात तक चलता है, और बस अब आखिरी काम रह गया है इसको ये पूरी तरह से देखिए किस तरह से राख से कवर कर रहे हैं। इसके बाद इसमें आग लगा दी जाती है जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन तक चलती है, और फिर आग को 2 से 3 दिन तक ठंडा किया जाता है। और अब 7 दिन हो गए हैं इसके बाद, ये देखिए आग बिल्कुल ठंडी हो गई है और इसमें से ये मटके निकाले जा रहे हैं। तो अब ये सुबह का टाइम है और इसको ये खोल रहे हैं, और आप देखो कितनी राख हो गई है और सब कुछ ठंडा भी हो गया है, मटके बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सारे मिट्टी के बर्तन भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये टूटेंगे नहीं। तो ये देखिए मटके अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अच्छे मटके को सेलेक्ट कैसे करना है जिससे कि पानी ठंडा भी रहे और मटका भी मजबूत रहे। तो ये हैं जगदीश प्रजापति जी, और इन्होंने हमें दिखाया पूरा प्रोसेस मटका बनाने का, और ये देखिए मटका तैयार है। तो अब ग्राहक आएगा तो वो कैसे समझेगा कि मटका अच्छा है या नहीं, खरीदने लायक है कि नहीं? इसकी आवाज में मालूम पड़ जाता है कि ये सही है या गलत। तो कैसे सुननी होती है आवाज? इसकी आवाज में जी आवाज हुई तो ये है सही जी। गलत वाला मटका है जी, गलत वाला मटका की आवाज अलग आती है, अलग दिखाता है जी। तो देखिए आप आवाज में डिफरेंस सुन सकते हैं, उसमें खनक थी आवाज में और ये दबी हुई आवाज आ रही है। वो जड़कारे जो बनता है मटका, वो मटका ज्यादा हमारा ठंडी आता है, और अभी जो गर्मी में बनता है वो कम ठंडी आता है। अच्छा, तो वो बोल रहे हैं कि जो जाड़ों में मटका बनाते हैं वो ज्यादा ठंडा करता है, गर्मी वाला मटका उतना ठंडा नहीं करता है जी। और क्यों के कारण क्या है कि इसको मटका अभी अभी बनाते हैं मटका तो 2 दिन सूख जाएगा जी। अच्छा, वो जड़कारे में 10 दिन में सूखता है वो। अच्छा, तो डिफरेंस आपने देखा कि जो जाड़ों में मटका बनता है वो धीरे धीरे सूखता है तो बहुत मजबूत हो जाता है, और जो गर्मी में मटका है गर्मी की वजह से 2 से 3 दिन में सूख जाता है तो इतनी मजबूती नहीं होती है मटके में। और इसी तरह से जो चाक का बना हुआ मटका होता है वो उतना ज्यादा मजबूत नहीं होता है, हाथ का बना मटका बहुत मजबूत होता है। ये देखिए पहले सुनाते हैं सबसे अच्छे मटके की आवाज, ये देखिए, और ये है थोड़ा सा खराब। तो ये देखिए तो और हल्की, और ये है बिल्कुल ही खराब मटका। के कोचहोर के मटके और कभी ना निकले चटके और पानी पियो डटके। बिल्कुल सही किया, पानी तो डटके ही पीना चाहिए गर्मियों में। फ्रिज का पानी है जो नुकसान करेगा, लेकिन जो पानी नुकसान नहीं करता है इस पानी से तो आदमी की बीमारी भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं तो हमेशा अपने घर में मटके का ही पानी पीती हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूंगी कि हमेशा मटके का पानी पिए। और आपने देखा कि मटका खरीदते समय कैसे खरीदना चाहिए, उसको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, और आपने देखा कितनी मेहनत का काम है, तो कम से कम इसमें मोल भाव या बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, जितना ये मांगे उनको उतना ही पैसा देना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने घरों में मिट्टी के बर्तन और मटके इस्तेमाल करें, इससे किसी को रोजगार भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।